प्रदेश सचिव की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समक्ष रखनी थी कैन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याएं। आम आदमी यूथ विंग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान को चेताया। बीते रोज शिवराज सिंह चौहान का नौगांव दौरा था और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अमित भटनागर लंबे समय से कैन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए पूर्व में उनके द्वारा आमरण अनशन भी किया गया था, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही अमित भटनागर को जानकारी लगी कि शिवराज सिंह चौहान नौगांव आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं के बारे में आवेदन देने की पहल शुरू की, जिसकी खबर लगते ही बिजावर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में आम आदमी यूथ विंग के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आम आदमी यूथ विंग के जिला अध्यक्ष मनु चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष बीरेंद्र श्रीवास, महिला विंग जिला अध्यक्ष नेहा सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो कैन बेतवा लिंक परियोजना पे प्रदेश अध्यक्ष अपने अमित भटनागर जी जो ज्ञापन दे रहे थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहते हैं आपको? क्या है कि आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अमित भटनागर जी हैं, आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नौगांव पधारे हैं, उनको एक ज्ञापन देना चाहते थे, वो ज्ञापन न दे पाए और ये जो सूचना जानकारी नहीं दे पाए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, इसके उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया बिहार में। ऐसा क्यों बार बार होता है? जब जब उन्होंने प्रदर्शन किया है या है तो ज्ञापन सौंपा है, तब तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिए। क्या है कि जो हमारे प्रदेश सचिव जी अमित भटनागर जी क्रांतिकारी साथी हैं, वो जनता के भलाई के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, और जब भी वो कुछ भी ऐसा कोई प्रदेश अधिकारी आता है या माननीय आते हैं, जब भी वो ज्ञापन जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मैं नेहा सिंह, आम आदमी पार्टी। आज क्या विरोध प्रदर्शन कर रही है? आज विरोध प्रदर्शन हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं आज नौगांव में, सीएम साहब, हमारे प्रदेश के सचिव है अमित भटनागर जी, जो कैन बेतवा लिंक और शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य की इन सभी की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन बिजावर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो हम लोग यहाँ विरोध करने आए हैं क्योंकि हम आम जनता है और आम जनता का अधिकार है, सीएम हो वो हमारे मध्य प्रदेश के, और हमारा हक बनता है कि हम उनसे ज्ञापन के द्वारा अपनी मांगे मनवाएं। लेकिन जब जब मामा डरता है, पुलिस को हमेशा आगे करता है, और जब जब हमारी क्रांतिकारी साथी आगे बढ़ते हैं तो पुलिस आगे करके हम लोगों को। आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आम आदमी पार्टी का अगला कदम उग्र आंदोलन होगा। अगर इस तरह ही हमारी मांगों को दबाया जाएगा प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, तो हम उग्र आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे।